प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित करते हुए कहा, चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशक तक नक्सलवाद की आग को झेला है। उन्होंने और उनके साथियों ने आपको सिर्फ और सिर्फ खूनी खेल दिए हैं। हमारी सरकार ने नक्सलवाद पर लगाम लगाई है। हमारे चंद्रपुर के इस क्षेत्र ने भी दशकों तक नक्सलवाद की आग को झेला है। इस क्षेत्र ने क्या कुछ नहीं सहा। नक्सलवाद के कुचक्र में कितने ही युवाओं का जीवन बर्बाद हो गया। हिंसा का खूनी खेल चलता रहा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेश बघेल ने कहा, महाराष्ट्र की जनता को जो दुख दिया गया है वो उसे कभी भूली नहीं है। शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, जनता इसे पसंद नहीं करती। अभी भी खरीद फरोख्त चल रही है, ईडी सीबीआई का दुरुपयोग हुआ है। देखिए, जनता तो पहले से मन बना चुकी है और उनके मन की कहिए तो लोकसभा में रिजल्ट देख लिया है। जिस प्रकार से महाराष्ट्र की जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी और महायुति की सरकार ने जो व्यवहार किया है वो जनता भूली नहीं है। मुख्य रूप से बात यही है कि जो महाराष्ट्र के स्वाभिमान महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज उसकी मूर्ति को उन्होंने तोड़ा, जिस प्रकार से उसमें घुसखोरी की, 6 महीने में गिर गया। दूसरा आप देखेंगे कि शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, ये जनता पसंद नहीं करती। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने यूपीपीएससी के खिलाफ छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर कहा, बच्चों को रोजगार देने में सरकार विफल है, सारे पेपर आउट हैं, सरकार नाकाम है। उपचुनाव के चलते आपने परीक्षा की तारीख जारी की है, कांग्रेस पार्टी बच्चों के साथ खड़ी है। बच्चों को रोजगार देने में, नौकरी देने में सारी चीजों में विफल है, कोई परीक्षा नहीं करा पाए, सारी परीक्षाएं पूरी तरीके से आउट हुई, सारे पेपर्स आउट हुए, तो बच्चे आंदोलित है। भविष्य उनका दिख रहा है कि हमारा भविष्य खराब कर दिया इन्होंने। आज बच्चे अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। हमारे आपके सबके बच्चे हैं, हमारी बहू बेटी हैं, सब लोग पढ़ लिख कर आज बेरोजगार घूम रहे हैं। ये सरकार पूरी तरीके से नाकाम है और पूरी तरीके से ये बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, मैं विकास, बूढ़ी दिवाली, बग्वाल की सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आज यमुना घाटी में खेल और सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन हो रहा है, जिसमें अनेक प्रकार के सांस्कृतिक और खेल कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। ऐसे कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं। हमारी सरकार ऐसे आयोजनों को बढ़ावा देती है। मैं सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं कि भगवान श्री राम की सब पर कृपा हो, हमारा राज्य आगे बढ़े। और विशेषकर आज यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह जो हमारा ये चल रहा है, यहाँ पर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक आयोजन भी है, खेलों के आयोजन भी है। उद्धव ठाकरे के हेलीकॉप्टर की चुनाव आयोग द्वारा जांच पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि एक पार्टी के नेता को टारगेट करना गलत है, जांच सभी की होनी चाहिए। ये ठीक कह रहे हैं उद्धव ठाकरे जी, ठीक कह रहे हैं। यदि सबको चेकिंग हो कोई दिक्कत नहीं है, खाली अब टारगेट करके एक पार्टी के नेता को टारगेट कर रहे हो वो गलत है।